हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिंगार फैशन। आज के इस वीडियो में हम एक डिजाइनर लहंगा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने कटलॉक लगा दिया है, सेम ऐसे ही मैं लहंगा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है 4 मीटर, और ये लाइनिंग ले रखा है, ये भी है 4 मीटर में ही। इसमें थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा है लाइनिंग में, और कपड़े में थोड़ी शाइनिंग कम है। इसमें मैं 4 मीटर का कैनकन भी ले रखी हूँ, जो मैं कैनकन लगाने वाली हूँ। इसमें काफ़ी घेरा आएगा, इसलिए कैनकन भी मैंने ज़्यादा ही ले रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक जो है उसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं पूरा कपड़ा साइड में कर दूंगी और एक तरफ से मैं बेल्ट निकालूंगी। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिया है। आप इसमें थोड़ा 1/2 इंच मार्जिन के लिए थोड़ा सा छोड़ें, जब सिलाई लगेगा उसके लिए। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। जब ये मेरा बेल्ट तैयार होगा तो ये 2 सेंटीमीटर पर तैयार होगा। ये देखिए, मैंने बेल्ट को कट कर लिया है, और जो मेरा बाकी कपड़ा मैं उसे एक साइड में कर दूंगी। अब उसके बाद मैं लाइनिंग पर कटिंग करना शुरू करूंगी। तो मेरा ऊपर से ये बॉक्स प्लेटेड लहंगा बन रहा है, तो नीचे के लिए मैं अम्ब्रेला वाला ही कटिंग करूँगी। नीचे में हम चुनट नहीं डालेंगे, नहीं तो चुनट डालने से ये थोड़ा भद्दा सा लगता है। तो इसके लिए मैं अम्ब्रेला वाला कटिंग करूँगी। तो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ये पूरा एक राउंड सर्कल के जैसे ये पूरा तैयार होगा। काफ़ी, मतलब इसमें जो घेरा है वो काफ़ी ज़्यादा आया है। मेरे घर में इतना जगह नहीं है कि ये पूरा अच्छे से मैं कवर करके दिखाऊं आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने अपना जितना लेंथ चाहिए मेरे, उतना मैं लेंथ लगा लूँगी इसके निशान। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे थोड़ा सा हम छोटा ही लेते हैं, अंदर का जो अस्तर होता है उसे थोड़ा सा ही छोटा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें निशान लगा लिया है। ये देखिए, सेम मैंने जैसे अम्ब्रेला की कटिंग होती है वैसे ही मैंने इस पर निशान लगा दिया है। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, यहाँ मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये जो भी नीचे का कपड़ा बचा हुआ है मैं इसी से इसमें सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, ये पूरा खुलेगा तो पूरा एक सर्कल तैयार होगा। तो मैं इसे कट करके फिर मैं आपको अपना मेन फैब्रिक दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैं ये पहले 2 सेंटीमीटर का प्लेट डालूंगी। डेढ़ सेंटीमीटर छोड़कर आगे से मैंने 2 सेंटीमीटर का प्लेट डाला है। उसके बाद इधर से भी मैंने 2 सेंटीमीटर का प्लेट डाला है। आप कपड़े में उल्टा और सीधा देख लें, मैं इसे सीधे की तरफ से डाल रही हूँ। मेरा इसमें एक एक जो ये है पूरा फुल प्लेट, ये 4 सेंटीमीटर का है, क्योंकि कैटलॉग में काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेटें डाली गई हैं। तो सेम मैं वैसे ही लहंगा बना रही, इसलिए इसके लिए मैं बड़े बड़े प्लेटें डाल रही हूँ। और बड़े प्लेट में लहंगा काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इसी प्रकार जितना भी मेरा फैब्रिक बचा हुआ है उसको मैं ऐसे ही प्लेट डालूँगी 4 सेंटीमीटर का, और उसे ऐसे ऐसे साइड साइड से मैं पिनअप कर दूँगी ताकि यह हिलेगा नहीं। अब कभी बड़े प्लेट डाल के लहंगा बना के देखिएगा, बहुत ही सुंदर बनता है ये लहंगा। ये देखिए, मैंने सारे में पिनअप कर लिया ऐसे ही, कितना प्यारा लग रहा है। अभी ऐसे ही सेम ऊपर से मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी।
चलते हैं मशीन पर सिलाई करने इसकी। तो इसके लिए मैंने यहाँ का आगे के जो है पिन वो खुल गया था मुझसे, तो मैं इसे पूरा ऐसे कवर करके फिर इसे सिलाई लगाना शुरू कर दूँगी। इसको सिलाई लगाने के बाद हम नीचे वाले अस्तर पर चलेंगे। ये देखिए मैंने इसमें जोड़ लगा दिया है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है, एक भी इसमें धागा हुआ दिख नहीं रहा है। ये देखिए ये भी मेरा सिलाई फाइनल हो गया इसमें का भी। अब देखिए मैंने इसके बेल्ट के लिए, ये देखिए मैंने एक तरफ से फिनिशिंग कर दिया है बेल्ट को, और ये जो मेन फैब्रिक और अस्तर था उस पर भी मैंने सिलाई लगा दिया था एक साथ। अब मैं बेल्ट को इसके साथ ज्वाइंट कर रही हूँ, तो आगे सबसे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है क्योंकि मैं इसमें चैन लगाने वाली हूँ। तब हम इसे सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल ही आराम आराम से सिलाई लगे, बेल्ट को खींचे ना खींचने। इसलिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से लगाएं सिलाई इस पर, तो बिल्कुल मैं दोनों फैब्रिक को एक जैसे देखकर ऊपर का बेल्ट दोनों बराबर करके फिर मैं लगा रही हूँ सिलाई। ये देखिए एक तरफ का फाइनल हो गया मेरा सिलाई। मैं दूसरे तरफ से फिर आगे मैं थोड़ा सा छोड़कर तब सिलाई लगाऊंगी, ताकि जब हम इसमें चैन लगाएं तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसकी सिलाई विलाई खोलना ना पड़े मुझे। ये देखिए मैं इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा रही हूँ सिलाई। इसी प्रकार मैं पूरे लहंगे में इसी तरह से बेल्ट को जोड़ दूंगी। देखिए मैंने बेल्ट अटैच कर दिया है। अब मैं इसके नीचे कैन लगा रही हूँ। कुछ लोग इसे कैन कहते हैं, कुछ लोग इसे हार्ड नेट कहते हैं, जो बहुत ही मतलब हार्ड होता है ये नेट। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा प्लेट इस पर लगा सकते हैं। मैं इसमें भी बॉक्स प्लेट वाला ही डाल रही हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये जो नीचे का घेरा आया है वो काफ़ी ज़्यादा आया है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा ही प्लेट डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें करीबन ये 1.5 सेंटीमीटर का आसपास में डाला है ये प्लेट। जैसे पर मैं पूरे लहंगे में मैं इसे नीचे से लगा रही हूँ। एग्जैक्ट मुझे मैरून कलर का चैन नहीं मिला, इसलिए मैं इसमें ब्लैक कलर का चैन लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसका नीचे का जो बूट है उसे चेंज कर सकते हैं चैन लगाने के लिए। तो मैं इसे नॉर्मल बूट जो होता है जिसे सिलाई करते हैं, मैं वही बूट से वो लगा रही हूँ इस पर चैन। और देखिए बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ मैं लगा रही हूँ। लगाने के बाद हम इसकी फाइनल सिलाई कर लेंगे। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ लेस लगाया नहीं है, अभी लेस आया नहीं है मेरा, जब आएगा तब हम इसमें लेस लगा देंगे। इसमें मैं पतली सा जो मोती वाली लेस होती है नीचे में, बस वही लगाया है। मैंने लहंगे के ब्लाउज का जो वीडियो नहीं डाल पाई मैं, लेकिन इसके लटकन का वीडियो मैंने डाल दिया है। और ये देखिए मैंने रात में शूट किया था तो कैमरे में अच्छा से कैप्चर नहीं हुआ है ये लहंगा, लेकिन बनने के बाद तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और देखिए बनने के बाद बहुत ही अच्छा घेरा आया है, इसमें कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा आया है।